हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 20 अप्रैल, और 20 अप्रैल के जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है सेटअप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्थापित करना। इनके सिनोनिम्स हो गए एस्टैब्लिश, क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इन द वेक ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, के बाद या परिणाम स्वरूप, फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन द आफ्टरमथ ऑफ एंड सब्सिक्वेंट टू। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वोलेटिलिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिवर्तनशीलता। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे फ्लक्चुएशन, इंस्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, चेंजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंड्यूस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, उत्पन्न करना, काउज, ब्रिंग, अबाउट, प्रोवोक, जनरेट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ओवरलुक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, अनदेखी करना। इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, फेल टू नोटिस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लैक्विन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसकी मीनिंग क्या होता है, कमियाँ। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे गैप्स, डेफिशिएंसी, शॉर्टकमिंग्स, ओमिशंस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टू बिगिन विथ, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले, फर्स्टली, इनिशियली, टू स्टार्ट विथ, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंसर्न, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, चिंता, वरी, एंजाइटी, अनईज एंड अप्रिहेंशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कैप, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, सीमा, लिमिट, सीलिंग, मैक्सिमम, अपर लिमिट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्लाइम, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना, राइज, इंक्रीज, असेंड, गो अप। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्वियस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट। इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे एविडेंट, क्लियर, अपेरेंट, नोटिसेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्वोल्यूट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, जटिल बनाना या किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाना, वो हमारा क्या होता है, कॉन्वोल्यूट। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे कॉम्प्लिकेट, कन्फ्यूज, मडल, इंटेंजल। ये सारे क्या होंगे, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑफटेक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, लेन देन करना, परचेज, अक्वायर, ऑब्टेन, प्रोक्योर या सिक्योर। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं टेक अ हिट, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, नुकसान उठाना, सफर अ लॉस, एक्सपीरियंस अ सेटबैक, फेस अ डिसएडवांटेज, इनकर डैमेज, बियर द ब्रंट। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है द गोइंग, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिस्थिति, सरकमस्टेंसेस। ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग होता है। इनके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, सिचुएशन, स्टेट ऑफ अफेयर्स या एनवायरनमेंट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकाउंट फॉर, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना, वो हमारा क्या होता है, अकाउंट फॉर। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे कॉन्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंट, कॉम्प्रोमाइज, मेकअप, फॉर्म। ये सारे क्या हो गए, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिजीम, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रबंधन, सिस्टम या रूल। ये सारे क्या हैं, रिजीम। इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे सिस्टम, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क या अरेंजमेंट। ये सारे क्या होंगे, रिजीम के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं कीप समथिंग इन चेक, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, नियंत्रित करना किसी भी चीज़ को। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे कंट्रोल, रेस्ट्रेन, रेगुलेट, मैनेज और कंटेन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रमोट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, एनकरेज, सपोर्ट, फोस्टर, बूस्ट और एडवांस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रेशनली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, तर्क, रीजनिंग, लॉजिक, बेसिस, एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं देयर कैन बी नो डिनाइंग, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है, इट इज़ अनडिनाइबल।
इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल, इट इज़ अनक्वेश्चनेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एनविसेज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कल्पना करना या अनुमान लगाना या कुछ काल्पनिक चीज, वो हमारा क्या होता है एनविसेज। इनके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होंगे इमेजिन, फोरसी, एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इवेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, टालना या रोकना। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे अवॉइड, डॉज्ड, एल्यूड या सरकमवेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डियरर, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, महंगा, मोर एक्सपेंसिव, कॉस्टलियर, प्राइसियर, हाई प्राइस्ड। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड देख लेते हैं, इन दिस रिगार्ड, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, के संदर्भ में, इन रिलेशन टू दिस, कंसर्निंग दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वेरिन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसमें। इनके जो रिलेटेड वर्ड है वो होंगे इन विच, वेयर, विद इन, विच, डूरिंग विच। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कैटास्ट्रॉफिक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, विनाशकारी। इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे डिजास्ट्रस, क्लैमिजियस, डिवास्टेटिंग, रियूनियस, ट्रैजिक। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रीकैरियस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अनिश्चित, अनसर्टन, अनस्टेबल, इनसिक्योर, रिस्की और पेरिलियस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बियर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, सहना। इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे कैरी, शोल्डर, सपोर्ट और सस्टेन। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एट लार्ज, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, व्यापक रूप से, इन जनरल, एज अ होल, ब्रॉडली स्पीकिंग, इन अ ब्रॉड सेंस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेक गुड, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, नुकसान पूरा करना। टू मेक गुड मीन्स टू मेक गुड मीन टू कंपनसेट और रेक्टिफाई सिचुएशन, ऑफन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट और फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन। किसी चीज़ की भरपाई करना, उसे रीइंबर्स करके, वो हमारा क्या होता है, मेक अ गुड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लिगेसी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, विरासत, इनहेरिटेंस, हेरिटेज, ट्रेडिशन, बेक्वेस्ट। जो भी हमारे जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर के जो जितने भी हमारे सामान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेगेसी, मीन्स कि उनका जो दिया हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, धरोहर, विरासत, वो हमारा क्या होता है, लेगेसी होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, केंद्र, सेंटर, फोकल पॉइंट, कोर, नेक्सस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, समान अवसर प्रदान करना सभी को। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंसेंटिव, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रोत्साहन करना या किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज, मोटिवेट, स्टिमुलेट, स्पर या इंस्पायर। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हो गए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।